print media, electronic media, social media. Today is a joy for us, and we wish and congratulate each and every one of us. And now I would like to invite His Highness the Chairman of Dipra Motha to kindly address to the media. Thank you, friends in the media. Sorry for keeping you waiting. I would like to start by very importantly, सबसे पहले मैं अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले अपील करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि सिमना में दो तीन जगह में मानदाई में और स्पेसिफिकली तुला शिखर में कहीं में थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है. मैं मीडिया के थ्रू अपने सपोर्टर्स को, जिसने हमें वोट किया है, वॉलंटियर्स को, सबको बोलना भी चाहता हूँ और वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मैं एज अ चेयरमैन ऑफ दीपरा मोथा वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और मैं इसको टॉलरेट भी नहीं करूँगा. जो जीते हैं वो हम हैं आज, जो हारे हैं वो भी तिपरासा है, वो भी हमारे लोग हैं. और ये जो कल्चर है जीतने के बाद जो पार्टी हारता है उसके ऊपर आक्रमण और उनका ऑफिस तोड़ा जाना और उनके घर में अटैक होना, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है. और मेरे पार्टी में जो भी ये करेगा मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा, अगर ज़्यादा किया तो मैं उनको एक्सपेल भी कर दूँगा. लेकिन मैं ऐसे रकम का कल्चर टॉलरेट नहीं करता हूँ. मैंने देखा है जब 2018 में IPFT और BJP आई थी तो बहुत अटैक हुआ था. मैंने जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब मैंने देखा था कि लोकसभा के बाद बहुत अटैक हुआ था. और आज हम जीते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमने झेला है. हम में और दूसरे में फ़र्क होना चाहिए. जो जीतता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, जो हारता है एक दिन वो भी हमारे संग ज्वाइन हो सकता है, हमारे संग ज्वाइन होगा. मैं आशा करता हूँ कि एक दिन IPFT भी हमारे संग आएगा, एक दिन सब तिपरासास हमारे संग आएंगे. तो उनके घर में, उनके ऑफिसेज में अगर आपने अटैक किया तो मैं एक्शन भी लूँगा और मैं पुलिस को भी बोलूँगा एक्शन लेने के लिए. मैं आपको डिफेंड नहीं करूँगा अगर आपने कोई भी एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट किया. दीपरा मोथा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़. दीपरा मोथा इज़ सपोज टू बी अ पेट्रियाटिक मूवमेंट. इट इज़ नॉट सपोज टू बी अ पार्टी विच बीट्स अप अदर तिपरासास. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, इंक्लूडिंग एनी अदर कम्युनिटी, बी इट बंगालीज, बी इट मुस्लिम्स, बी इट हिंदुस्तानीज. किसी के घर में अटैक होगा तो सबसे पहले मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं सामने आऊँगा रोकने के लिए. ये मेरा मैसेज है. प्लीज़ ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप वाइडली पब्लिसाइज कीजिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा का इमेज ख़राब नहीं देखना चाहता हूँ. सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद त्रिपुरा में पोस्ट पोल वायलेंस होता है. ये पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर अगर ख़त्म करना है तो ये आज से हमको ख़त्म करना पड़ेगा. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने ये, कोई भी अगर ये कर रहा है, और मुझे खबर मिल रहा है कि दो तीन जगह से हो रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे. सेकेंड, थैंक यू टू ऑल द वोटर्स जिसने हमको वोट किया. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स, जो आर्म फोर्सेस में है, जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में है, बुमा बदल में है, जो बाहर में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आकर हमें वोट किया उन्होंने, जो यहाँ में त्रिपुरा में डेली वेज अर्नर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने जो हमको हेल्प किया है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ थैंक यू. आपने हमें हेल्प किया, हमारे ख़राब समय में हेल्प किया, किसी ने काम करके हेल्प किया, किसी ने डोनेशन देके हेल्प किया, लेकिन आपने हमें हेल्प किया. अमाउंट बड़ा छोटा, काम बड़ा छोटा नहीं होता है. आपने हमको हेल्प किया, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं. और आने वाले दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी हम अच्छे तरीके से बैठकर ठंडे दिमाग से कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. थर्ड पॉइंट है कि आज जो रिज़ल्ट आया है, मैं पहले से कह रहा था कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये हम 100% मेजॉरिटी में खुद आएंगे. बहुत लोग हमारे जो जीते हैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, फर्स्ट टाइम लीडर्स हैं, उनका परिवार कभी पॉलिटिक्स में नहीं था तभी भी वो जीते हैं. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. हम लोग के पास नए फेसेस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ
कि तिपरा एंड एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मैं आपको वापस ग्रूम करूंगा अगले इलेक्शन या इसके बाद भी अपने उन जिस एरिया में हम लोग हारे वहां में डबल ज़्यादा काम करके हम तिपरा मोथा को वहां में भी पावर में लाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया है और नहीं जीते। नकुल जय ने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत पुअर बैकग्राउंड से है तभी भी 63 वोट से वो हारा है। रतन जय ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। हमारे डेविड मुरा सिंह, कोई कहता था कि मिर्ज़ा कथालिया से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन डेविड मुरा सिंह ने बहुत अच्छा फाइट दिया और एक स्ट्रॉन्ग गढ़ से सिर्फ 350 वोट से वो हारा है। यूथ है, 33 ईयर्स का है, उसको फिर से हम लोग चांस देंगे। जो लोग को टिकट नहीं मिला, हरिंदर रियांग, उसने अच्छा फाइट दिया। हमारे बहुत कैंडिडेट्स हैं जिसने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, लेकिन हम उनको भी बुलाकर ठीक से बात करेंगे और हम एक ऐसा सरकार चलाएंगे जिसमें यूथ को हम प्रायोरिटी देंगे, वीमेन को प्रायोरिटी देंगे और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी प्रायोरिटी देंगे। एक बात चल रहा है कि सब लोग पूछते हैं कि इलेक्शन से पहले पूछा गया कि हम किसके साथ हैं, CPM के साथ है या कांग्रेस के साथ है। आज ये अनारस चाइना का है या नागपुर का है, आज पूरे त्रिपुरा लोग ने बता दिया है ये अनारस 100% लोकल तिपरासा अनारस है। मुझे शौक लगता है कि हमारे ही स्टेट के लोग को दिमाग में एक बात नहीं था कि एक पार्टी विदाउट अलायंस नेशनल पार्टी के संग भी जीत सकती है, लेकिन आज हमने करके दिखाया है। जब मैं स्टूडेंट था तो एवरीबडी वुड आस्क मी कि ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, जब मैं बाहर पढ़ता था, ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, वी डू नॉट वॉन्ट टू बिकम नॉर्थ ईस्ट में। सब लोग बोलते थे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सब लोग बोलते थे, आसाम में भी। हमको और एक त्रिपुरा नहीं होना है, हम लोग और एक त्रिपुरा नहीं बनने जाते। आज त्रिपुरा से एक रीजनल पार्टी निकला है जिसने विदाउट अलायंस विद BJP, विदाउट अलायंस विद CPM और कांग्रेस, अपने दम में पावर में हम लोग आ चुके हैं। और जो पार्टी जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो या फिर BJP के संग है या फिर कांग्रेस के संग है अपने स्टेट में पावर के लिए। तो हमने भी एक मैसेज भेजा है दैट यू डोंट वॉन्ट टू बी अनदर त्रिपुरा, बट त्रिपुरा कैन ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू रेस्ट ऑफ इंडिया। त्रिपुरा कैन ऑल्सो सेंड द इंडिजिनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा कैन ऑल्सो सेंड अ मैसेज टू द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट इफ योर प्रिंसिपल इज स्ट्रांग, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर कमिटेड एंड इफ यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू कैन विन, बिकॉज यू हैव टू पुट फेथ इन योर सेल्फ एंड ऑन योर पीपल एंड नॉट ऑन पावर एंड नॉट ऑन फैसिलिटीज। वी हैव प्रूव्ड to the whole of Northeast that a regional party can fight on its own merit and still emerge as victors. ये मेरा बहुत important statement है। आने वाले दिन में we will set up the council, but मैं आज भी इस मन से जो लोग हमारे संग alliance में नहीं आए, मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे संग be a part of the council। बहुत जगह है सबके लिए, मैं सबको जगह देना चाहता हूँ। जो रीजनल पार्टीज़ नहीं आए, IPFT नहीं आया, हमने एक दो पार्टीज़ के बारे पाताल कन्या से मैंने बात किया था, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए और सरकार का हिस्सा बनिए। ये सरकार आपका भी है, सिर्फ मेरा नहीं है। मैं ऐसा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को अलग रख के मैं पॉलिटिक्स करूँ। मैं सब रीजनल पार्टीज़ को इन्वाइट कर रहा हूँ, आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। सबके लिए जगह है, सबको सम्मान से मैं न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण कर रहा हूँ, आप आइए और हमारे संग ये सरकार में शामिल होइए। लास्ट, मीडिया को, आप लोग ने, बहुत लोग ने हमको, स्पेशली जो YouTube में है, स्पेशली जो सोशल प्लेटफॉर्म में है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकते, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और मैंने शुरू में ही मैं समझ चुका था कि द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज़ नॉट इन प्रिंट, इट इज़ नॉट इन बिग ऑफिसेस, इट इज़ इन द मोबाइल फोन्स। मैंने इसको माना, मैंने यूथ को पावर, हमने यूथ का पावर समझा और हमने इस प्लेटफॉर्म में हमने काम किया। आई रियली थिंक दैट आपने जो हमको हेल्प किया है, क्योंकि एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं कॉम्यूनल हूँ, एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं एंटी बंगाली हूँ या एंटी एक रिलीजन हूँ या कुछ हूँ।
ये आपने अपने मोबाइल से लेकर जो मेरा जो असली चेहरा है मेरा वो आपने दिखाया, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा था मेरे खिलाफ, दो या तीन बड़े हाउसेस कर रहे थे, लेकिन जो मुझे जानते हैं कि ये जो ADC काउंसिल बनेगा इसमें ना मुसलमान को कोई ख़तरा है, ना हिंदू को ख़तरा है, ना क्रिश्चियन को, ना बुद्धिस्ट को। इस काउंसिल में ना कोई BJP जो करता है उसको ख़तरा है, जो CPM करता है उसको ख़तरा है, जो IPFT करता है उसको ख़तरा है, जो कांग्रेस करता है उसको ख़तरा है। ये काउंसिल सबके लिए है, ये काउंसिल बंगाली के लिए भी है, ये काउंसिल में मणिपुरी जो है हिंदुस्तानी से, जो TTADC से हमारे 19 ट्राइब से बाहर है, ये उनके लिए भी है। और हमारे एक या दो जो स्मॉलर ट्राइब्स है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कमिटमेंट दिया था आपको कि आपको लाएंगे सरकार में, वो भी मैं बैठकर ठीक से करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी दिस क्वेश्चन। कल वी आर गोइंग टू सिट डाउन विद ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव वन एंड हु हैव नॉट वन, उसके बाद वी विल टेक अ डिसीजन। महाराज, दो सवाल हैं। एक है, इस जीत की अहम वजह क्या है, और दूसरा है, क्या आने वाले जो चुनाव हैं इसमें भी क्या आप लोग लड़ाई के मैदान में आएंगे? देखिए, मुझे एक बात है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ, अभी एक इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इस इलेक्शन ने हम सबका एकदम हलवा टाइट कर दिया, ठीक है। अभी आप दूसरा इलेक्शन के बारे सोच रहे हैं, पहले ये जो सरकार आएंगे ठीक से चलाना होगा, क्लीन ट्रांसपेरेंट चलाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कैसा डिलीवर करें पब्लिक को। आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, इस जीत की अहम वजह क्या है? इस जीत की अहम वजह ये है कि इस इलेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो BJP ने मुझे अटैक किया, BJP ने मतलब पूरा पार्टी नहीं लेकिन दो तीन लीडर्स अटैक किया पर्सनली नाम करके, CPM ने मेरी माँ को कुछ भला बुरा कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम AC रूम पॉलिटिशियन हैं, अगर मुझे थोड़ा सीट से ज़्यादा मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। सब ने मुझे, सोनिया गांधी को मैंने गद्दारी किया है सोनिया गांधी के संग, तो मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने पॉजिटिव कैंपेन किया, मैंने ना देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने बिप्लब जी के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने मानिक बाबू के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला। मैं, मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ, हमारी आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी ना राइट की तरफ जाती है ना लेफ्ट की तरफ जाती है, हमारी एक इंडिपेंडेंट व्यू है और हम उसमें चले। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो सपोर्ट मुझे मिला है विमेन से, जो यूथ से मिला है, जो मदर्स से मिला है, जो माँ से मिला है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने नफ़रत की राजनीति नहीं की, हमने पॉजिटिव राजनीति की। और जिसने नफ़रत की राजनीति की, नाम बक के सोशल मीडिया में आधा अनारस मुझे बनाकर, उन्होंने अपना समय नष्ट किया। अगर वो लोग यही समय अगर अच्छे बात में करते, यूनिटी के बारे बात करते, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबका प्रशंसा किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात किया। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने उसी को चूज़ किया है जो यूथ भी है, फ्रेश फेस है, और वो नेगेटिव नफरत की राजनीति नहीं कर रहा था। सी, दैट इज द गवर्नर्स प्रेरोगेटिव। आई हैव टू कॉल ऑन द हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर। I will call on the governor after I meet all my candidates. Some of them are staying very far, you know. Some of them are in Kanchanpur, some of them are in Unnakoti, Raima Valley, in Sabroom. Our party is one from, just now Animesh is coming from Ashrambari Halahali. No, Kulai Kulaichambar, I'm sorry. Ashrambari is Anant Babu. Huh. So we have got people who won across the state. Hum log ka jo footprint hai, it is not only in Agartala and in and around West Tripura. It is across the state. So when they come, we will sit down with them. We also have to meet our candidates who have not won. Unhone bahut acha fight kiya. Main unse bhi baat karna chahta. Aur then we will take a decision. That is very important. Maharaj, aur do sawal tha. Ek power mein aap log aa chuke hain ADC ke. Pehli prathamik power mein nahi aaye hain. Power mein jis din oath hoga, nahi nahi aisa nahi. Dekhiye, ha bataiye. Question puch lijiye abhi. Pehla tha, pehli prathamikta kya hogi? दूसरा, ग्रेटर तिपरालैंड इज अ कमिटमेंट टू द पीपल एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ कमिटमेंट टू द पीपल। दैट्स वाई वी हैव सेड दैट वी आर गोइंग टू स्टिक। मैंने देखा है कि इलेक्शन के पहले
आंचलिक पार्टीज लोग कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन के जीतने के बाद कुछ और बोलते हैं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैंने हमेशा हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपको पावर में आप आने के बाद आप जो कमिटमेंट देते हैं उसको नहीं रखते हैं तो आप गिरते हैं, या फिर आप तब गिरते हैं जब आप अहंकारी हो जाते हैं। 2018 में IPFT पावर में आया, 2019 में IPFT लोकसभा इलेक्शन में एकदम शून्य हो गया। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने भी देखा है कि जब TUGS पावर में आया था या 2000 में जब IPFT TTADC में आई थी तो विद इन 2 ईयर्स प्रॉब्लम हो गया। तो मैं जो गलती पहले हुआ है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्लीन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। उसके लिए हमको अपना आइडियोलॉजी में रहना पड़ेगा और मोर इम्पोर्टेंटली हमको अपना जो सरकार है जब आएगा हमको अहंकार बन के नहीं करना है। हमारे ऑपोजिशन में कोई भी हो, BJP हो, IPFT हो, कांग्रेस हो, CPM हो, उन सबसे भी बात करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उन सबको भी उनसे भी बात करके मैं ये गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। और जो बॉडी लैंग्वेज है, एक सरकार का बॉडी लैंग्वेज भी होता है, नेता का एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लाल बत्ती में 15-20 पुलिस सामने आगे करके घूमने से TTADC का डेवलपमेंट नहीं होगा। TTADC का डेवलपमेंट जब होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी लोगों को दे, मीडिया को दे और सबको दे। तो ये लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर, 2019 यू लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी एंड इन दिसंबर DIPRA वाज फॉर्मड एज अ NGO एंड लेटर इट वाज मेड अ पॉलिटिकल पार्टी। इन लेस देन 1.5 ईयर DIPRA हैज वन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन। Do you want this narrative to be taken across the Northeast and the other states that the regional party can win the election without national party's help? I'm highly inspired by the movement which took place where, if you see what India Against Corruption happened, then if you see what happened in 1959 after the Mautam, many of you all may not realize this, but Mautam was a famine in Mizoram. And there was an organization which worked for the people who were suffering during the famine. Later, they transformed themselves into a political party which is in power today. We also worked very hard during the corona. And I think if we had just formed a political party, nobody would have come with us. But because we worked for the people during the pandemic, because we worked for the people and raised the people's voice for the CAA and went and filed a case in the Supreme Court, if you will be surprised to hear this, but apart from TIPRA and INPT and TPF and a few other regional joint action committee, nobody actually opposed CAA in Tripura. The Congress did not oppose CAA in Tripura. I didn't see a single protest by the Congress and CAA. I was shocked that even the Communist Party did not oppose CAA when they were protesting all over India. In Tripura, they did not oppose it. So I would like to say that the journey of TIPRA, the reason why TIPRA has been successful is because it did not look at all problems as political, but looked at some problems as social, some as existential, some as cultural, some as a point of identity. So what are going to be your priority? Because if we see, as you said about the history, even IPFT had raised the TIPRA land issue also. So in that case, today in a press conference it was said, ideology while in the opposition is easy, but you must ask who said this? Who said this? A political party said. But which political? Which you are in the government, it will be tough. So which political party said this? BJP spokesperson. BJP was stuck to his ideology. Iske liye to Ram Mandir bana. BJP should be the first one to say that we think. BJP. तो राम मंदिर के बारे तब से आज तक बोल रहा है। जिस दिन उसने अपने आइडियोलॉजी के बारे बात नहीं किया अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट, तभी तो वो लोग पावर से बाहर गए। ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, BJP तो अपने पूरे आइडियोलॉजी में लगा हुआ है, तो हम भी अपने आइडियोलॉजी में लगा हुआ है। जब BJP ने अपने आइडियोलॉजी से डायल्यूट किया तब वाजपेयी जी हार गए। तो मैं तो उनको तो सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए कि आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, BJP का तो पूरा रहता है। और रहा बात IPFT का, IPFT केम इन अलायंस विद BJP एंड देन कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द डिमांड ऑफ IPFT ऑन TIPRA लैंड। आई हैव नॉट
I am not coming in power with any political party. I have come to power on my own. And why should I not ask for something which is in the Constitution of India? And also, why not, like I've started this press conference, appealing for peace. I don't want my Greater Tripura land to be discriminatory towards any community, be it the Bengalis, be it the Manipuris, be it the Muslims, be it the Hindus, Christians, Buddhists. I want it to be an inclusive society. So my agenda is to deliver the TTADC the way I can. And I will stick to my core ideology. And if anyone wants to talk to me, they should agree to me in writing. It's as simple as that. What will be your first step towards development after oath-taking ceremony? My first step towards development will be to produce a white paper. Maybe a lot of people may not realize the concept of white paper. White paper means presenting it to the public, the real facts on what is happening in TTADC. The people of Tripura, even I don't know what is happening in TTADC. Even main bhi nahi janta hu ki kitna